हेलो रविकांत जी, आप राहुल जी के ब्रदर हैं। हाँ तो आप मैडम, हमें बताएंगे कि राहुल जी को क्या नोज में क्या प्रॉब्लम थी? इनके मैडम नोज में सेप्टम डिविटेड नेसल सेप्टम था और इसको मानसिक विकृति टाइप भी रहता था और इसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसको हमने दो तीन बार पहले ऑपरेशन करा चुके हैं, फिलहाल दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसका सेप्टोप्लास्टी ऑपरेशन आया। किसी ने हमने डॉक्टर साहब के बारे में बताया तो हम यहाँ पर आए और हमने इसकी नाक संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम थी, MRI CT स्कैन में इसकी नाक में ब्लॉकेज पूरा था, तो ये नाक से भी परेशान रहता था और इसको देखने में भी सुंदर नहीं लग पाता था। तो हमने यहाँ की जो डॉक्टर साहब ने बताया, हमारे यानी डॉक्टर रावण सर जागीर जी साहब ने बताया था, ENT डॉक्टर ने, कि आप वहाँ पर जाओ, आपकी हर समस्या का समाधान वहाँ पर आपको हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आए, डॉक्टर साहब ने इसकी नाक को एकदम डिविडेंड सेप्टम को पूरा सिद्ध कर दिया और राइनोप्लास्टी नाक देखने में बहुत ज़्यादा इसकी सही लग रही है और अच्छी लग रही है और एयर ब्लॉकेज भी लगभग समाप्त हो चुके हैं। जी, आप सभी लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो राहुल जी की तरह नोज समस्या से पीड़ित हैं? मैडम, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, जब भी आप किसी भी डॉक्टर को दिखाओ तो उसका पूरी अच्छी तरह से आप उसका पूरा हिस्ट्री ले लो, ताकि आपको ये पता पड़े कि ये डॉक्टर इस डिजीज के हिसाब से या इस सर्जरी के हिसाब से परफेक्ट है या नहीं है। और कहीं भी डॉक्टर साहब को दिखाओ, जब तक वो आप अपने मन से संतुष्ट या पूरी अच्छी तरह से नहीं मान लेते तब तक उससे आप ऑपरेशन नहीं कराए, अपनी सर्जरी तो नहीं करवाना चाहिए। और जैसे मुझे डॉक्टर साहब किसी के थ्रू मैं डॉक्टर साहब बोल यहाँ आया तो मैं इनकी सर्जरी से संतुष्ट था और अच्छी तरह से मुझे अच्छा लगा, तो मैंने डॉक्टर साहब सर्जरी कराई। और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने भाई की तरह जैसे मैं परेशान हुआ, दो तीन सर्जरी करके इसका टाइम वेस्ट गया, मनी वेस्ट गया और इसको घर पर बिठाए रखा, कुछ भी नहीं कर पाया। तो मैं ये कहूँगी, जब भी आप सर्जरी कराओ कि अच्छे कुल मिला अच्छे डॉक्टर साहब से कराओ, ताकि आपको समय भी बचत हो और धन की भी बचत हो और आपका परिवार भी अच्छे से चल सके। अच्छा रविकांत जी, आप डॉक्टर सुनील के लिए और यहाँ के स्टाफ के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर मेरा भाई बढ़िया हो जाता तो मेरी ज़िंदगी की सारी समस्याएं समाधान हो जाती है और मैं अपना काम भी अपने ढंग से कर सकता हूँ, मेरा पूरा परिवार अच्छे से खुशी से रहेगा। और मैं कहूँगी, जितना मुझे अभी तक लगा कि डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी सर्जरी की है, इसके हिसाब से सेप्टम वेप्टम नोज रिसेप्ट के हिसाब से बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे फील और महसूस हुआ। ठीक है, अब हम डॉक्टर सुनील सर से बात करते हैं जो हमें बताएंगे कि इनको क्या प्रॉब्लम थी और इनकी क्या सर्जरी की गई। देखिए, ये जो पेशेंट हैं राहुल जी और इनके साथ में जो इनके अटेंडेंट हैं रविकांत जी, ये खुद भी एक मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। तो ये जब मेरे पास लेके आए थे इन पेशेंट को, तो इनको जो प्रॉब्लम थी बेसिकली नोज़ की, दोनों प्रॉब्लम थी रिगार्डिंग द नोज़ के फंक्शन, कि जो एक नोज़ का फंक्शन होता है कि आदमी के नोज़ से प्रॉपर ब्रीदिंग आनी चाहिए। एंड द सेकंड जो इनको प्रॉब्लम थी लुक, एक जो है नोज़ जो चेहरे का सेंट्रल पार्ट होता है, तो इनका जो नोज़ का लुक और इनका जो नोज़ की जो ब्रीदिंग, सो ही हैव द बोथ प्रॉब्लम, दोनों इनको नोज़ के अंदर प्रॉब्लम थी। कॉन्सिक्वेंटली जब इनको प्रॉब्लम थी तो इन्होंने उसके लिए सर्जरी के लिए भी कोशिश की और जैसे ये बता रहे हैं कि प्रीवियस इन्होंने क्या है कि 3 times जो है वो सर्जरी करा चुके थे, कि लास्ट 2 surgery के बाद इन्होंने इनको लगा कि दिल्ली में चलो कहीं अच्छा सर्जरी हो जाएगा, बट बैड लक इनका वहाँ पे भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो जो है 3 बार ऑपरेशन कराने के बाद एक्चुअली में नोज जो है वो काफ़ी विकृत हो चुका था। और अमूमन जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें ये जो नोज़ है, ये सर्जरी के बाद में एक्चुअली में क्या है, इसका अंदर का फ्रेमवर्क जो है वो पूरा डिस्टर्ब हो गया, डेविटेड हो गया, जिसको हम कॉम्प्लेक्स जो है वो नोज डिफॉर्मिटी और क्रुकड नोज डिफॉर्मिटी बोलते हैं। तो इसका जो है टिप भी वो ड्रूपी हो गया और नोज पूरा कोलेप्स होने से पेशेंट्स को ब्रीदिंग में भी ब्लॉकेज रहने लग गया। ऐसे जो केसेज जो हमारे पास आते हैं, ये बड़ा ही एक सर्जन के लिए कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग केसेज होते हैं, बिकॉज नोज जो है वो कितना भी डिफॉर्मिटी हो, लेकिन अगर उसमें पहले सर्जरी नहीं हुई होती है तो जो उसकी संरचनात्मक जो स्ट्रक्चरल चीज़ें हैं वो उसकी वहीं पे मिलती हैं और उस नोज को बनाना हमारे लिए एक ईजी होता है। लेकिन अगर किसी नोज को 3 बार पहले अगर उसको ओपन कर देता है कोई सर्जन, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हटा दी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन कर दी जाती हैं और वो जो स्किन होती है उसकी जो है वो फाइब्रोसिस हो जाती है। तो ये एक सर्जन के लिए बड़ा चैलेंजिंग था, जब ये मेरे पास आए तो मेरे लिए भी एक बड़ा एक चैलेंजिंग था। लेकिन जब इनके जो अटेंडेंट हैं रविकांत जी को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो उन्होंने मेरे पे फैथ किया एंड
उन्होंने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब आप करो सर्जरी। देन हमने इसकी सर्जरी की और पूरा जो है इसका एग्जामिनेशन के बाद हमने पाया कि नोज का इसका फ्रेमवर्क बनाना एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो एक चीज़ है। इनकी जो फ्रेमवर्क बनाने के लिए पहले भी इनके क्या है रिब का एक पोर्शन लिया हुआ था, इसलिए मेरे लिए और भी चैलेंज की बात थी कि मैं पहले रिब इनकी ले ली तो दोबारा नाक कैसे बनाऊँ। हमने इनका क्या है कान की जो है एक कार्टिलेज का पोर्शन लेके इनका जो डेविटेड और जो डिफॉर्मिटी नोज की हमने ठीक की। हमें करीब 6 घंटे करीब लगे मेरी पूरी टीम को इनका नोज को ठीक करने में, जिसमें हमारा उद्देश्य ये था कि इस बच्चे का लाइफ लॉन्ग नोज ब्लॉकेज नहीं हो। और दूसरी बात जो भी हमने डिस्कशन किया था इस नोज का है स्ट्रेट होना है, नोज की जो टिप की विकृति है सारा हमने जो है इसको किया। और आज ये 10th डे हमने इसका प्लास्टर पेशेंट्स का हटाया है एंड इनके जो अटेंडेंट है एंड पेशेंट इज़ वेरी हैप्पी, बिकॉज बहुत बार किसी नोज की सर्जरी हो जाती है पेशेंट की सर्जरी होता है तो पेशेंट ओबियसली फाइनेंशियल भी परेशान होता है मेंटली भी डिस्टर्ब होता है। तो अब ये जो है पेशेंट जो है वो बहुत खुश हैं, मैं भी मेरी जो सर्जरी है उससे खुश हूँ एंड आई वॉन्ट टू थैंक कि इन्होंने रविकांत जी ने राहुल जी ने हमारे पे फैथ किया हमारे पे विश्वास किया और जो इन्होंने विश्वास और फैथ किया उसके अकॉर्डिंग हम रिजल्ट दे पाए। एंड फाइनली जो एक इम्पोर्टेंट मैसेज जो मैं देना चाहता हूँ इस टाइप के लोग जिनको ये नोज की जो प्रॉब्लम है, नोज जो है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, आप नोज की सर्जरी कराने से पहले अपने सर्जन का चुनाव करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है जितना एक डॉक्टर के लिए पेशेंट का चुनाव करना है। आप उस सर्जन का है एक्रेडिटेशन देखना चाहिए, उसका तजुर्बा देखना चाहिए, उसके प्रीवियस केसेस के बारे में पता लगाना चाहिए, कुछ आपके जो है नीचे डॉक्टर्सों के लिए उसके बारे में सलाह लेनी चाहिए, जिससे अपने को बार बार सर्जरी नहीं करा के और एक ही बार में जो अपना उद्देश्य है वो अपना सफल हो सके। थैंक यू।